दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई अजय कम्युनिकेशन। दोस्तों, आप अजय कम्युनिकेशन से किसी भी प्रकार के AIPS सर्विस ले सकते हैं, जैसे कि आपका पेनियर हो गया, मल्टीलिंक हो गया, या बैंकिट या इत्यादि, मतलब बहुत सारा इनके पास AIPS का रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ID दिया जाता है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑल इन वन ट्रिक PK। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बैंकिट में आप अपने, तो बता दें कि सेटलमेंट के लिए आपका अकाउंट नंबर कैसे इसमें ऐड किया जाता है, या सेटलमेंट कैसे किया जाता है, अपना अमाउंट को अपने बैंक खाते में कैसे भेजा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सेटलमेंट करने के लिए जैसे आप बैंकिट एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक सेटलमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको अमाउंट कितना डालना है, जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना जितना मेरा अमाउंट है, इसमें टोटल अमाउंट इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 6519, यहाँ पर पूरा हम 6500 डाल देते हैं। देख सकते हैं 6500 रुपया इसमें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक फी लिख रहा है 10 रुपया, यानी कि आप इसमें 6500 या 100 रुपया लीजिए, या फिर आप 65000 लीजिए, कितना हो लीजिएगा, तो आपको बैंक का फी 10 रुपया पे ऐड करना होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा एक बार में निकालना चाहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप जितना ज़्यादा निकालेगा उतना आपको मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, इंस्टेंट का उसके बाद मैनुअल का। तो आपको सिंपली इंस्टेंट ही करना है, क्योंकि मैनुअल में कहीं कीजिए तो कोई फायदा नहीं। ये NEFT के माध्यम से आता है पैसा, जो कि थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो आपको इंस्टेंट पे मारना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद देख सकते हैं सेटलमेंट रिक्वेस्ट रिसीव सक्सेसफुली। उसके बाद आप ओके कर दीजिए और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में मतलब इंस्टेंटली चला जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे आप बहुत आसानी के साथ अपना सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ये बैंक अकाउंट कैसे फिल किया जाता है, या बैंक अकाउंट इसमें कैसे चेंज किया जाता है, ये सारा चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चलना होगा, वहां से आपको फिर से लॉग इन करना होगा, तब जाके आप ये सारा चीज कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर 3 डॉट जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसे आप डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड है, इसे ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्रोम ब्राउजर कुछ इस टाइप से खुल के आ जाएगा। उसके बाद इसमें सिंपली आपको टाइप करना है बैंकिट। जैसे आप बैंकिट टाइप कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिटेलर लॉगिन का, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेलर लॉगिन। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद आपको OTP डालना होगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो चलिए हम OTP डाल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से जैसे आप OTP डाल दीजिएगा तो आपका यहाँ पर बैंकिट का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं आपका इस टाइप से खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जूम कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 3 लाइन दिख रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने 3 लाइन दिख रहा है, आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने कुछ इस टाइप से आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर सेटलमेंट पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा रजिस्टर बैंक, उसके बाद दूसरा है सेटलमेंट का। तो अगर आप इसमें अपना अकाउंट नंबर नहीं डाले हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं साइड में, इसमें अगर अपना डिटेल्स नहीं डाले हैं अकाउंट का, तो आप रजिस्टर बैंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये इंटरफेस आएगा, इसमें आपको टोटल चीज फिल करना है। या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट, तो आप यहां से वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एडिट का ऑप्शन पूरा दिख रहा है। तो आपको इतना करने के बाद आप रजिस्टर के ऊपर, आपको यहां पर चूज फाइल लिखा हुआ है, इसमें आपको अपना पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, जिस पर आपका मोहर लगा हुआ होता है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, उसका एक इसमें फोटो अपलोड करना होगा, या फिर आप अपना एक कैंसिल चेक बुक का भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये करना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके आप इसमें अपना रजिस्टर कर पाइएगा। दोस्तों, बता दें कि किसी भी प्रकार का ID लेने के लिए, या फिर अगर बैंकिट ID चाहिए आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देख सकते हैं पूरा डिटेल्स दिया गया है अजय कम्युनिकेशन का, वहां से आप किसी भी कंपनी का AIPS सर्विस का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।